वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड आज है 23 जून 6:43 AM। पता है लेट है बट हमारा ऐसा प्लानिंग था कि हम लोग तीन चार लोग कहीं पर जाने वाले थे सम गुड लोकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली कोई उठा नहीं और मेरा मन था राइड करने का तो मैं निकल रहा हूँ। तो बातें कम करते हैं, मिलते हैं रास्ते में, ठीक है। पता नहीं अचानक से ना मुंबई में धुआंधार बारिश आया था और बारिश के कारण मतलब अच्छा मौसम अच्छा वाला हो गया था कि हम राइडर्स को निकलने का मौका मिले, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि बारिश एकदम रुक गया और रुक तो गया ही और इतनी गर्मी दे रहा, इतनी गर्मी दे रहा। आई होप सो जिधर मैं जा रहा हूँ शॉर्ट राइड है, कोई बड़ा राइड नहीं है, तो सुकून रहे थोड़ा सा। अब इधर एक कुछ नया लग रहा होगा, ये जो नेट है, ये नेट मैंने लगाया है कल रात को ही एक्सपेरिमेंट के तौर पे, देखता कैसा चलता, बिकॉज ऑफ रोडिंग होता है ना तो जो लाइट है ये लाइट एकदम लूज़ होकर ना नीचे गिरने को लगता है। तो मैंने कहीं से रेफरेंस लिया है और रेफरेंस लेकर मैंने ये नेट लगाया, सो लेट्स सी। फेस कवर करके जाने का, रोड पे मिलते हैं। टाइम अपडेट 6:53 AM और अपन आराम वाली स्पीड में जाएंगे क्योंकि अपने को कोई घाई नहीं है, अपने को आराम से अपनी पब्लिक के लिए व्लॉग बनाने का है, आराम से। हाँ, पूरा जो भी ये मौसम है मौसम का लुफ्त तो उठाते हुए। इट्स रिफ्यूलिंग टाइम, रिफ्यूलिंग। तुमने मैप सेट कर लिया एंड इट्स अराउंड 50 to 60 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी ये तामझाम है, ज़रूरी है बिकॉज सेफ्टी मैटर्स। बस मैं अपना मतलब एक अलग ही एक्चुअली निकल जाओ राइड से, अगर मन है तो मन की जो इच्छा है वो पूरी करो, वो पूरी करो, दिन अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं। यार ये वाले माउंटेन को देखो यार, मतलब क्या फॉग, क्या क्लाउड दिख रहा है यार ऊपर। यार आज तो वेदर ऐसा लग रहा है ना कि बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन कल या परसों में आई गेस बारिश चालू हो जाएगी एंड वहाँ ऊपर जो मौसम है दैट इज़ वे ऑसम, मतलब अलग ही लेवल का वहाँ का रहेगा, रनिंग फॉग रहेगा, फॉग भी नहीं रनिंग फॉग। तो मैं और जय करके है मेरा जो फ्रेंड जिसने मुझे नाम सजेस्ट किया रहेगा, आपने अगर व्लॉग नहीं देखा तो देख लो, उसने भी बोला मैंने टू हैव लॉन्च ए कंपनी जस्ट ट्रिपिंग। तो हम लोग ट्रैकिंग वगैरह चालू किए, इनिशियली अभी ट्रैकिंग चालू किया है, आगे धीरे धीरे टूर करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ट्रैक जो है वो लोहागढ़ है, यू कैन चेक आवर इंस्टाग्राम हैंडल ऑफ जस्ट ट्रिपिंग, आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा रहेगा, गो देयर एंड चेक इट आउट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो डू DM, बाकी तो राइड इंजॉय करो, है ना। सॉरी मैं रॉन्ग में जा रहा हूँ बिकॉज मैं एक मिनट आगे आ गया हूँ, तो इंस्टेड ऑफ पूरा घूम के जाने से अच्छा मैं यहाँ पर से निकल रहा हूँ। मैं जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था ना तब मैंने व्लॉग तो नहीं किया था, लेकिन मैं वो भी मेरा सोलो राइड था। मैं पीछे का राइड आपको दिखाता हूँ, जगह दिखाता हूँ, फ़ोटो भी दिखाऊँगा आपको। लोकेशन देखो यार, क्या चाहिए ये लोकेशन और माया, ओ हो।
क्या दिख रही है यार। मैं कंपैरिजन वाला इमेज डालूंगा जो मैं फर्स्ट टाइम जब आया था ना वो वाला इमेज और अभी वाला इमेज, क्या डिफरेंस है मतलब अभी तक बाइक में। तो हैट्स ऑफ टू मी जिसने इतना मॉडिफिकेशंस किए है, प्राइमरी मॉडिफिकेशंस है। वेल ये जो नेट का रिव्यू है इट्स गुड, मतलब अच्छा खासा सपोर्ट दे रही है। अभी लाइट में देख रहे होंगे मैंने यहाँ से पूरा नीचे से होल्ड किया हुआ है तो इसको एक सपोर्ट मिल जाता तो ये हैंग नहीं होता है ऑफ रोडिंग के टाइम में, बहुत अच्छा है एंड लुक भी अच्छा देता है। डैशबोर्ड में एक अलग सा एक एंगल ही बन गया ये एकदम वी टाइप का, तो एक अच्छा लुक देता है। बहुत पका दिया ना, आगे चलते हैं यार। ये जो लेफ्ट जाता है ये कोई वाटरफॉल के लिए है, वाटरफॉल आगे दिखाऊंगा किधर जाता है। फिलहाल थोड़ा सा टॉप पे चलते हैं। तो भीड़ बहुत है, चलो पानी में से लेकर नहीं यार, बहुत सारे फ्रॉग है यार। वो कैंपिंग शैम्पिंग, अरे पूरा लेक ही सूखा हुआ है। यहाँ से नीचे जाया करता था, ये दिख रहा है यहाँ से मैं नीचे जाया करता था, लेकिन सारा यहाँ पर रोड बंद रखा हुआ है यार, तो नीचे तो जा ही नहीं सकते हैं। पूरा लेक सूखा हुआ है यार। चलो ऊपर व्यू पॉइंट पे चले। सो आई एम एट द व्यू पॉइंट एंड मेरे मन में कुछ खुराफाती आइडिया है कि मैं बाइक को यहाँ से लेकर जाता हूँ, यहाँ से लेते लेते नीचे जाता हूँ, क्योंकि लेक का पानी अभी बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ से जाने का रास्ता भी तो होना चाहिए ना बॉस। सबसे पहले ना क्या करना चाहिए ना, एक बार ना खुद के एंड से रूट देख लेना चाहिए। खुद के एंड से रूट देख लो, मेरे को नीचे के रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये उतरने वाला जो रूट है ये बराबर होना चाहिए। यहाँ तक तो बराबर है, यहाँ से भी आराम से उतर जाएगी। ये सबसे खतरनाक है यार, इधर अगर लग गए ना तो लग गए, बिकॉज दिस इज कैक्टस आई गेस, नोकीला है। यहाँ से एक और रास्ता दिख रहा है यार, ये वाला रास्ता अगर बैठ गया तो हो जाएगा। मैं आया तो कोई और रास्ते से, जा रहा कोई और रास्ते से, बट ये पूरा पत्थरों का रास्ता है। यस देयर इज अ वे। कबाउंटर लाइन देख रहा है, बाइक लेकर रहा है लेकिन चल के जा रहा है। मैं यहाँ पर जब दोनों बार पहले आया था तभी यहाँ पर लेक पूरा था, अभी लेकिन मोस्ट ऑफ आधी से ज़्यादा लेक पूरा सूखा हुआ है। सो मैं ट्राई करूँगा ऑफ रोडिंग का, लेट्स सी। सोलो ऑफ रोडिंग भाविन भाई और तन में आना चाहिए था यार, मज़ा आता था। छोड़ो कोई नहीं, अगली बार जाएंगे वापस। चलो बालियन ड्यूक एनएस हीरोंडा हीरोंडा, चलो पहले नीचे जाया जाए। ये प्रॉब्लम दे देगा, कोई नहीं हम निकाल लेंगे। निकाल लिया बॉस, बाइक गई नीचे। अब ये आगे थोड़ा कैंप साइट की तरफ जाते हैं।
ये जगह दिख रहा है, पूरा पानी हुआ करता था और मैं लेक में आया हूँ। लेक में क्या बात है, दिस इज अल्टीमेट एक्सपीरियंस, दिस इज अल्टीमेट। लोग यहाँ पर पैदल आते हैं, अगर बाइक पर आया हूँ। यार खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ मैं तो आज। आगे चलते आगे, यहाँ रुकेंगे हम यहाँ पर। यू विल नॉट बिलीव, मैं अकेला इतना पत्थरों से झूंझ कर ऑफ रोड करके मैं यहाँ तक पहुंचा। सी द व्यू, मतलब ये जो मैं जिधर खड़ा हूँ ना वो पूरा लेक है एंड लेक पूरा भरा हुआ रहता है। ये जो दिख रहा है वो जो लाइन दिख रही है वो लाइन के ऊपर तक पूरा भरा हुआ रहता है एंड मैं नीचे आया हूँ वो भी सोलो। एंड आई कैन सी वहाँ पर दो से तीन बाइकर्स और आ रहे हैं, रॉयल इनफील्ड वाले ही है। बिकॉज हम पागल होते हैं यार, हम किधर भी आ जाते हैं। एंड अल्टीमेट यार मज़ा आ गया, ऊपर कैसे चढ़ूँगा पता नहीं लेकिन नीचे मैं ज़रूर आ गया हूँ। एंड मुझे बाइक्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, अब आएंगे नहीं आएंगे इट्स अप टू देम, लेट्स सी। एंड मैं ये वाली जगह पर आया हुआ हूँ लेकिन मैं यहाँ पर नहीं आया हुआ हूँ, मैं ऊपर ही ऊपर निकल गया था। एंड जो वाटरफॉल है, अब यहाँ पर लेक में पानी नहीं है तो वाटरफॉल मे भी नहीं होगा, मैं एक ग्लिम्स दिखा दूंगा वहाँ का। सब टेंट स्टे है, नहीं 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 ये टेंट स्टे नहीं है, लोकल का घर है, मतलब लोकल लोग यहाँ पर टेंट लगा कर रहते हैं। दो पाँच मिनट यहाँ पर चिल करेंगे, चिल करके फिर वापस जाएंगे बिकॉज इट्स टाइम इज अराउंड 9:00। और यहाँ पर इतना सुकून है ना कि बाइक से आपको माइनर से माइनर आवाज़ रहेगी ना वो आपको सुनाई देगी कि कैसा दिखता है वाटरफॉल। मैं आया था लेकिन व्लॉग नहीं किया था बहुत पहले। एंड वेदर इज़ ओके, कुछ 28 डिग्री के आसपास है, ओके फॉर अस, मतलब ठीक है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है ज़्यादा ठंडा भी नहीं है एंड इट्स प्रिटी नॉट ह्यूमिड ऑल्सो। तो चलते ऊपर क्योंकि अब हो चुका है, मेरे को भी यहाँ पर 15 मिनट आए हुए हो गया है, रेस्ट करना था रेस्ट कर लिया है। अब मैं देखता हूँ थोड़ा ऊपर जा सकूँ तो ऊपर जाऊँगा, नहीं तो फिर वो डैम दिखा कर देन टूवर्ड्स होम। ओके बाकी तो आप सीन एंजॉय करो। तो ऑन द ऑफ रोड, नॉट ऑन द रोड, ऑन द ऑफ रोड।